हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशी टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टीसीएस एनक्यूटी एंड टीसीएस निंजा कट ऑफ के बारे में। तो जैसे कि आप सभी ने टीसीएस की रिसेंटली एग्जाम दिए, चाहे वो टीसीएस निंजा हो या टीसीएस एनक्यूटी हो, दोनों का जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम होता है दोस्तों। तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको प्रूफ भी शो करने वाला हूँ कि क्या टीसीएस निंजा का कट ऑफ है एंड किस तरह से मैं आपको जस्टिफाई भी करने वाला हूँ कि कट ऑफ किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा लास्ट ईयर से जो भी एक्सपीरियंस है लास्ट 2 ईयर्स में, उसके हिसाब से मैं आपको पूरी चीजें बताने वाला हूँ। टीसीएस कोई अपने तरफ से कट ऑफ नहीं बताता है कि इतना कट ऑफ था, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से लोगों को इंटरव्यू के मेल आए हैं, लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ होता है उसकी रेंज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको भी क्लियरिटी मिल जाए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको इंटरव्यू का मेल आएगा या नहीं आएगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक के देखें। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सभी टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट आपको देखने मिल जाता है मार्क्स रिक्वायर्ड इन कॉग्निटिव टू गेट एन इंटरव्यू मेल। सेकंड पॉइंट आता है मार्क्स रिक्वायर्ड इन प्रोग्रामिंग टू गेट इंटरव्यू मेल। ओके, सो पहली सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इंटरव्यू मेल की। ओके, सो आप सभी को इंटरव्यू मेल का ही इंतजार है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिया है तो अगर आपको इंटरव्यू मेल आएगा उसके बाद ही आपका टीसीएस में सिलेक्शन होने वाला है। तो कितने मार्क्स चाहिए कॉग्निटिव आपको ताकि आपको इंटरव्यू का मेल आ जाए। सेकेंड चीज आता है कितने मार्क्स चाहिए आपको प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में, जिसके वजह से आपको इंटरव्यू का मेल आ जाए। तो दोनों ही पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको कितना किस तरह से आपको स्कोर कार्ड मिलता है, क्या कितना स्कोर आने पर आपको इंटरव्यू का मेल आ सकता है दोस्तों। क्योंकि इंटरव्यू का मेल आएगा उसके बाद ही आप टीसीएस में जॉब कर पाओगे। अगर इंटरव्यू का मेल नहीं आएगा तो कोई भी मतलब नहीं है टीसीएस की एग्जाम देने का, ना ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी की जो वेबसाइट है जहां पर आपने रजिस्टर किया था, तो जहां पर आपको अभी अप्लाई बटन देखने मिल जाए वहीं पर आपको रिजल्ट का वहां पे आपको देखने मिल जाएगा, एक टैब देखने मिल जाएगा जहां से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो रिजल्ट जो है आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन कर देना है आपने जिस अकाउंट से रजिस्टर किया था टीसीएस के लिए, और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ की जगह रिजल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, वहां से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। रिजल्ट जो होता है वो 2 फॉर्मेट में डाउनलोड होता है आपका। पहला जो होता है कॉग्निटिव के मार्क्स देखने मिल जाते हैं, दूसरे जो होते हैं आपके प्रोग्रामिंग के मार्क्स देखने मिल जाते हैं। प्रोग्रामिंग की बात कर ली जाए तो प्रोग्रामिंग का जो एग्जाम होता है दोस्तों वो 60 मार्क्स का होता है, एंड कॉग्निटिव का जो होता है वो 1800 मार्क्स का होता है। तो उसमें आपको कितने स्कोर करना चाहिए, कितना स्कोर एक्सपेक्टेड है आपसे जिससे आपको इंटरव्यू का मेल आ जाए। तो चलिए सीधे पॉइंट पे बात करते हैं हम दोस्तों। आप देख सकते हो ये हमारे सामने एक स्कोर है, ये कैंडिडेट थे, हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने एनक्यूटी का एग्जाम दिया था और जिनका टीसीएस में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स 1800 देखने मिल जाता है, सेक्शंस देखने मिल जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इन्होंने मई में एग्जाम दिया था दोस्तों टीसीएस का। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमेरिकल एबिलिटी में इनको कितना स्कोर मिला है, वर्बल एबिलिटी में कितना स्कोर मिला है, रीजनिंग एबिलिटी में कितना स्कोर मिला है। तो टोटल इनको 1800 में से 1300 का स्कोर मिला है, 1300 के राउंड अप स्कोर मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका टोटल परसेंटेज जो आता है 72.37। तो दोस्तों सीधी सी क्लियर सी बात है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टीसीएस अपने तरफ से कोई भी कट ऑफ जो है वो रिलीज नहीं करता है, पब्लिश नहीं करता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस के थ्रू अगर आपका इतना रेंज में आता है, अगर आपका स्कोर, तो हाई चांसेस है कि आपको इंटरव्यू का मेल आ जाए। तो मैं बता दूं, अगर आपका स्कोर 65% से अबव आता है तो हाई चांसेस है कि आपको इंटरव्यू का मेल आ जाए। आपका जो ये जो होता है कॉग्निटिव का स्कोर होता है, कॉग्निटिव में आपका ज्यादा स्कोर आना चाहिए, अगर ज्यादा स्कोर आता है तो 100% चांसेस आपका इंटरव्यू का मेल आ ही जाएगा। अगर आप 75% के अबाव लाते हो कॉग्निटिव में, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इसमें आपका 75% से अबाव आते हैं तो 101% आपको कॉग्निटिव का कॉग्निटिव में 75 से अबाव है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू का मेल आने ही वाला है। ठीक है, ये पहले 60 to 65 रेंज करता था जब एग्जाम ऑफलाइन हुआ करती थी। लास्ट ईयर जब सेप्टेम्बर नवंबर में एग्जाम हुई थी तब 60 to 65 ये रेंज कर रहा था, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है ये एग्जाम ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन एग्जाम की वजह से कट ऑफ थोड़ा जो है वो थोड़ा सा हाई जाता है। तो अगर आपका 75% से अबाव आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका 100% आपको चांसेस है कि आपको मेल आ जाए इंटरव्यू के लिए। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको स्कोर कार्ड देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स देखने मिल जाती है।
तो अगर आपका स्कोर मैंने आपको जैसे कि बता दिया 65% से आपको अबाव ही रखना है, अगर अबाव आता है तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके 75% है तो मोर देन इनफ है दोस्तों आपके लिए, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू का मेल आ जाएगा। तो ये कर लिया हमने कॉग्निटिव की बात, अब कर लेते हैं प्रोग्रामिंग के बाद। तो आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग का स्कोर यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 60 मार्क्स का होता है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटेज 8.33 यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडिडेट को यहाँ पे मार्क्स मिले हैं। तो अगर यहाँ पर आपको मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कॉग्निटिव में स्कोर है 75 या 80 और फिर आपको प्रोग्रामिंग में 10% 12% इतने भी होते हैं दोस्तों, तो भी आपको इंटरव्यू का मेल आ जाता है। लेकिन सेफ साइड की बात कर ली जाए तो आपके 20% अगर होते हैं तो चांसेस है कि आपको डेफिनेटली प्रोग्रामिंग में 20% से ज्यादा स्कोर होता है आपका, तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू का मेल आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दोनों का स्कोर जो है वो मैटर करता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है लेकिन ओवरऑल कट ऑफ है। अगर आपका कॉग्निटिव एंड प्रोग्रामिंग दोनों में अच्छे मार्क्स है तभी आपको इंटरव्यू का मेल आने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब यहाँ पे उन्होंने 60% 70%, कुछ कुछ कैंडिडेट को 95% भी प्रोग्रामिंग में देखने मिले थे लेकिन उनका एप्टीट्यूड में 60% था या 60 से बिलो था, ठीक है, तो उन्हें इंटरव्यू का मेल नहीं आया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही जो स्कोर है आपके प्रोग्रामिंग के एंड कॉग्निटिव के दोनों स्कोर मैटर करते हैं। प्रोग्रामिंग में अगर आपके 15-20 आ जाते हैं, 10% वाले कैंडिडेट्स को भी दोस्तों इंटरव्यू का मेल आया है लेकिन 15 या 20% सेफ साइड है दोस्तों, 15-20 अगर आपके आते हैं तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये रही प्रोग्रामिंग की बात, एंड कॉग्निटिव में मैंने आपको बता दिया, कॉग्निटिव में आपका जितना अच्छा स्कोर है, अगर आपको कॉग्निटिव में 85 मिलते हैं एंड प्रोग्रामिंग में आपको 8-10% भी मिलते हैं तो भी आपको इंटरव्यू का मेल आ सकता है। सबसे पहली चीज है आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना ही चाहिए, प्रोग्रामिंग तो आप इंप्रूव कर ही सकते हो क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका 70-75 स्कोर है कॉग्निटिव में तो आप सेफ साइड पे हो, एंड प्रोग्रामिंग में आपका 50-20 के बीच में स्कोर है या उससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी का कट ऑफ। ओके तो ये ट्रेंड चला रहा है दोस्तों पास्ट 1 ईयर से, तो ये ट्रेंड में अगर आप आते हो तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू का मेल आ ही जाएगा। जो भी अपडेट होती है दोस्तों मैं अपने चैनल पे बता दिया करूंगा आपको जैसे ही अपडेट आती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलरली मैं आपको बताते रहूंगा, जैसे टीसीएस एनक्यूटी का रिजल्ट आ जाएगा, फिर जैसे इंटरव्यू के मेल स्टार्ट हो जाएंगे, सभी चीज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। आप जैसे कि देख सकते हो ये कुछ आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का स्टेटस देखने मिल जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका अप्लाई फॉर ड्राइव होना चाहिए, आपका अप्लाई फॉर ड्राइव है तभी आपको यहाँ पर एग्जाम का असेसमेंट का मेल आया था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट बैच करके देखने मिल जाता है। तो ये कैंडिडेट बैच है क्या, कैंडिडेट बैच मतलब यहाँ पर आपको इंटरव्यू का मेल आ जाएगा अगर आपका बैच स्टेटस शो हो रहा है तो, ठीक है। जैसे ही आपका बैच स्टेटस शो हो रहा है इसका मतलब आपको इंटरव्यू का मेल आ जाएगा, इंटरव्यू आप दे दोगे, इंटरव्यू में रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल मेंटेन करते हो एंड कुछ बेसिक एटिकेट जो है वो अच्छे से मेंटेन करते हो एंड अच्छे से आप आंसर देते हो तो हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन पर भी हम वीडियो बना देंगे आप सभी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके बाद आपका ऑफर लेटर जनरेट हो जाएगा और आप ऑफर लेटर भी जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे। आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई फॉर ड्राइव इन्होंने किया था 17 फरवरी को किया था एंड 13 को इनका स्टेटस शो हो गया था, मतलब जो आपका जो रिजल्ट है वो 20-30 डेज में आ जाता है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं रखनी है। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। तो आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड।